ये लोग तो सरप्लस बजट को खा के निगल गए। अब हम लोग का प्रयास होगा आने वाला समय में राज्य के बेहतर संसाधन प्रबंध संसाधनों का उपयोग करते हुए, वित्त प्रबंधन करते हुए हम राज्य में संसाधनों को कैसे अधिक से अधिक एकत्रित कर पाएँ, कितना अधिक हम धन संग्रह कर पाएँ, कितना अधिक हम एसेट क्रिएशन कर पाएँ, ताकि इसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों को मिले। और इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से बजट को बनाने का प्रयास किया है, जिससे वर्तमान आमजनों को तो उसका लाभ मिले ही, बल्कि आने वाले पीढ़ी को भी उसका लाभ मिले। तो ये एक बड़ी दूरदर्शिता के साथ इस बजट को बनाया गया है। खैर, विपक्ष तो अच्छे कामों पर भी सराहा नहीं सकते, और मेरा मानना है कि आलोचनाएं होनी चाहिए, एक पॉजिटिव आलोचनाएं होनी चाहिए, खासकर हमारे वर्तमान विपक्ष के लोगों को, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस सत्ता को दिशा देने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। और अभी तो एक 2019 के बाद जो जिम्मेवारी हमें चुनौतियों के साथ मिला, उस चुनौतियों को भी हम लोगों ने बहुत बखूबी से पार किया। वर्तमान में पुनः चुनौती सुखाड़ की है, उसको भी हम लोग बिल्कुल कहा जाए कि ऐसे हालात में भी हम लोगों को कितना बेहतर राहत दे पाएँ, इसकी भी प्रयास है। झारखंड की ज़रूरतें, यहाँ के आम जनों के अलावा 3.25 करोड़ लोगों के अलावा यहाँ के कई संसाधनों पर भी सरकार का बजट जाता है। और आपने देखा, सामाजिक सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। लेकिन ये इससे काम नहीं बनेगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 20 सालों में सिर्फ बजट एक कागजी कार्रवाई के रूप में देखने को मिला, लेकिन अब का बजट, इसीलिए पहले हम लोगों ने अपन बजट का नाम दिया, अब बजट का नाम हम इनके बजट है। तो इससे स्पष्ट है कि ये बजट बिल्कुल झारखंड के हितों को लेकर, यहाँ के लोगों के समस्याओं को समाधान को लेकर ये बजट बनाया गया है। पिछले बजट के अनुपात 15% का इजाफा हुआ है। यहाँ से नियुक्ति का द्वार खुल गया है।
देखिए, हमने कहा पहले ही भी, सरकार राज्य के जनभावना के साथ चलता है और इसमें ऐसा नहीं है। हमने यहाँ के नौजवानों से पूछा किस रास्ते से चलना है। वर्तमान परिस्थिति जो है वो परिस्थिति जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको पूर्णतया दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन विकास की गति न धीमी होगी न रुकेगी। और इसी क्रम में सारी चीज़ों को बेहतर भी करते हुए ये सरकार आगे बढ़ेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।